नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका में ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बांग्लादेश का ऐसा कौन सा बॉलर होगा जो आज 4 विकेट निकालेगा, श्रीलंका का ऐसा कौन सा बॉलर होगा जो आज 5 विकेट लेने वाला है, बांग्लादेश का ऐसा कौन सा बैटर होगा जो आज 100 रन मारेगा और श्रीलंका का ऐसा कौन सा बैटर होगा जो आज फ्लॉप जाएगा। आज मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों आप मेरी कल का प्रेडिक्शन देख सकते हो। मैंने मैच लगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में और आप मेरी हर एक प्रेडिक्शन देख सकते हैं और पहले रैंक का टीम देख सकते हैं और मेरा टीम कंपैरिजन कर सकते हैं कि मैं कैसे टीम लगाता हूं और आप लोग कैसा टीम नहीं लगा पाते और आप विनिंग नहीं कर पाते। तो दोस्तों अगर आप ड्रीम इलेवन चेंजर होना चाहते हैं तो आप सबसे पहले करना क्या है, आपको इस वीडियो को फुल वॉच करके जाएगा, क्योंकि जब आप टीम क्रिएट करेंगे तो आपको अगर प्लेयर के बारे में रिकॉर्ड पता रहेगा तो उनको अपने टीम में सेलेक्ट कर लेंगे तो आप ड्रीम इलेवन चेंजर बन सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो वेन्यू आपका होने वाला है अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाला है। यह आपका डेट होगा 6 नवंबर 2023 में, टाइम होगा 2:00 इंडियन टाइम। अब बात करते हैं अगर आप ड्रीम इलेवन चेंजर होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पिच रिपोर्ट जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो मैं रिसर्च करता हूँ वही ड्रीम इलेवन होता है। जैसा कि आपको पता है अगर आप ड्रीम इलेवन ओपन करते हैं तो आपको पता ही नहीं रहता कि विराट कोहली कितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो कैसे आप टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको रिपोर्ट देख कर ही मैं आपको ड्रीम इलेवन चेंजर बनता हूँ। तो अगर देखा जाए बांग्लादेश तो 5 मैचेस को आपको मैं रिसेंटली परफॉर्मेंस बता दूँ तो 5 मैचेस बांग्लादेश अभी लॉस गई है और श्रीलंका 2 मैचेस विन की है और उसके बाद 3 मैचेस इसको लॉस मिली है। अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा अरुण जेटली में देखा जाए तो बैटिंग का पिच होने वाला है। अब इसमें बैटिंग किसको लेना है दोस्तों, आपको पता है कि इसमें सबसे ज्यादा दोनों टीम अभी वीक पड़ रही है तो दोनों टीम में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन नहीं जाएगा, करीबन जाएगा 250, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला है। अब बात करते हैं अरुण जेटली स्टेडियम में तो 75 विकेट गिरा हुआ जिसमें से फास्टर बॉलर और 47 विकेट लिया हुआ है और स्पिनर 28 विकेट लिया है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो अभी देखा जाए अरुण जेटली का स्कोर देखा जाए तो टोटल मैचेस 32 खेला गया है और फर्स्ट इनिंग में 238 गया है, सेकेंड इनिंग में 206। दोस्तों मैंने आपको पिछले मैच में बताया था कि इस इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले बॉलर हुए और ज़्यादा ये चेस नहीं किया जा सकता है, मैंने आपको वीडियो में बताया था और रविंद्र जडेजा के बारे में मैंने बताया था, जस मोहम्मद सिराज के बारे में बताया था और उसके बाद मोहम्मद शमी के बारे में बताया था, तीनों बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस करेंगे और मैंने आपको वही चले तो जो मैं आपको प्रेडिक्शन में बताया था। अब बात करते हैं हाईएस्ट टोटल जाने वाला इसमें 228 नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों टीम वीक है तो हो सकता है 200-250 इससे ज्यादा नहीं काम करने वाला। अगर देखा जाए तो इससे सबसे ज्यादा बॉलर ही काम करेंगे कैप्टन में, जैसा कि रवि जडेजा इस बार कैप्टन में काम किए और विराट कोहली वाइस कैप्टन में। और लोवेस्ट की बात किया है तो 99 रन पर 10 विकेट गया। अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अभी रिसेंटली परफॉर्मेंस देखा जाए बांग्लादेश और श्रीलंका में तो श्रीलंका लगातार 3 मैचेस विन किया है और यहां पर देख सकते हैं रिसेंटली परफॉर्मेंस में, उसके बाद फिर 2 मैचेस बांग्लादेश विन किया है। अब 5 मैचों में देखा जाए तो 2 मैचेस बांग्लादेश विन किए और 3 मैच श्रीलंका विन किए। अब इस बार देखते हैं कौन सा टीम विन करती है। उससे पहले आप जान लेते हैं कि बांग्लादेश का बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सा होने वाला है। तो पहले नंबर पर आप देखेंगे तानजीद हसन, उसके बाद सेकंड नंबर पर लिटिल दास, थर्ड नंबर देखेंगे नमाजुल्ला हसन संतो, अब चौथे नंबर पर देखेंगे साकिब अल हसन जो कैप्टन का काम करेंगे, अब पांचवें नंबर पर देखेंगे तो मेहदी हसन मिराज, उसके बाद छठवें नंबर मुस्ताफिर रहमान, सातवें नंबर पर महमूदुल्ला। दोस्तों अगर महमूदुल्ला का परफॉर्मेंस देखा जाए तो हर एक मैच में इनका अच्छा परफॉर्मेंस जाता है तो इनको अपने टीम में लेकर जाना है। अब उसके बाद साकिब अल हसन और मेहदी हसन, इन दोनों का परफॉर्मेंस देखा जाए तो इन दोनों का ऑलराउंडर का काम करते हैं और बैटिंग भी अच्छा खासा कर लेते हैं तो इन दोनों को अपने टीम में लेकर जाना है। अब बात करते हैं मेहदी हसन जो ऑलराउंडर का काम करेंगे और कभी कभी एक खेलते हैं तो 3 विकेट 4 विकेट हमेशा रहता है और बैटर से अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं। अब उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो आपको तानजीन अहमद देखने को मिलेगा जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं और उसके बाद मुस्ताफिर रहमान। अब दोस्तों इसके बाद तानजीन हसन के साकिब की जगह एक आएंगे जो आपको सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, वो आपको सालोफिन होने वाले। अब दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे जो आपका पहले नंबर पर होने वाला है वो आपको बैटिंग में देखा जाए तो दास ओपनिंग करेंगे और इनका एक मैच से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस गया है जो 45 रन इनका अच्छा परफॉर्मेंस गया है, 176 रन गया है। अगर इनका लास्ट पॉइंट देखा जाए 55 पॉइंट दिया हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर दो आपको तानजीन हसन होने वाले, अगर इनका कोई परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ है तो इनको अपने टीम से ड्रॉप करके जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको नमाजुल्ला हसन संतो,
पहले अच्छा परफॉर्मेंस करते थे, लेकिन इनका एक ही मैच में 59 रन गया हुआ है और इनका लास्ट पॉइंट देखा जाए तो 9 पॉइंट दिया हुआ है। अब बात करते हैं शाकिब अल हसन, दोस्तों इनको आपको ध्यान देना है, अगर देखा जाए तो ये विकेट से अगर दो बॉलिंग अच्छा परफॉर्मेंस कर देते तो 2-3 विकेट हमेशा रहता है, अगर देखा जाए और बैटिंग में तो अच्छा परफॉर्मेंस कर देंगे तो आप कैप्टन का काम कर देंगे। इस बार नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो आपको 5वें नंबर पर आपको मुस्ताफिर रहमान देखने को मिलेगा और एक मैचों में इन्होंने 66 रन का पारी खेला होता, उसके बाद इन्होंने 51 रन का पारी खेला होता, इनका कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। अब बात करते हैं 6वें नंबर पर, तो आपको मोहम्मदुल्ला होने वाला है, इनका हर एक मैच में अच्छा परफॉर्मेंस जाता है, पिछले मैच में इन्होंने 56 रन का पारी खेला था और एक मैचों में इन्होंने 111 रन उसके बाद 41 रन का पारी खेला होता है। अब बात करते हैं 7वें नंबर, जो आपको मेहदी हसन मिराज होने वाले, इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, बॉलिंग करेंगे और को बैटर से अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो इन दोनों को अपनी टीम में लेकर जाना है। उसके बाद 8वें नंबर बात करते हैं टोहेदी होरदोई, तो इनका परफॉर्मेंस कोई अच्छा खास नहीं है तो आप इनको अपनी टीम से ड्रॉप करके जा सकते हैं। अब नीचे जाना तो आपको ताकी हसम देखने को मिलेगा, इनका भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं है, इन्होंने एक मैचों में सिर्फ 2 विकेट लिया हुआ है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे जो आपको ताफिर रहमान, इन्होंने भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं है, लेकिन दोस्तों सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले मैं आपको बताता हूं, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले वो आपको सरफिल असलम होने वाले, इन्होंने 2 मैच 3 मैच हर एक मैच में इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन पिछला मैच में इनको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल पाया। दोस्तों अगर आपको टीम चाहिए, अगर आप ड्रीम 11 चेंजर होना चाहते हैं मेरी तरह, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा, वहां पर आपको फाइनल टीम मिलेगा, कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता हूं। अब बात करते हैं कि आपको श्रीलंका का प्लेइंग 11 कौन सा होने वाला है, जैसा कि आपको पता होगा कि कुशाल प्रिया खेल रहे थे लेकिन इस बार डी कर्नाटक ओपन करेंगे, उसके बाद पशु निशंगा, कुशाल मेंडिजा थर्ड नंबर पर आएंगे, एस समीरा विक्रमा आएंगे, उसके बाद बात करते हैं सी चरित्र श्रीलंका, डेडी सिल्वा इस समय नहीं खेल रहे, इस समय दसुन सनाका खेल रहे, डी वलंगे इस समय नहीं खेल रहे। अब बात करते हैं एम तिछड़ा और डी मधुसाका, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले 4 से 5 विकेट लेने वाले वो आपको डी मधुसाका, इनको पिच देखा जाए इंडिया के मैच में जब श्रीलंका का मैच हुआ था इन्होंने अकेले 5 विकेट लिया होता, और मैं आपको आगे बताने वाला हूं इनको कैप्टन बना के जाना है कि नहीं जाना है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे जो सबसे आपको अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले पशु निशंका, पिछले मैच में श्रीलंका की बात की जाए इंडिया ने ताबड़तोड़ विकेट लिया था और सबको 0 पर आउट किया था, आपने मैच देखा होगा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए थे इंडिया वाले। अब बात करते हैं इनका हर एक मैच में, तो 3-4 मैचों में इन्होंने 77, 56, 61 इस तरह से इनका परफॉर्मेंस है, लेकिन इंडिया की तरफ से इनका 0 परफॉर्मेंस है। अब बात करते हैं डी कर्नाटका, ते भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं लेकिन इस बार इनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो ओपनिंग है इनको अपनी टीम से ड्रॉप कर जा सकते हैं। अब बात करते हैं कुशाल मेंडिदास, तो ये भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, एक मैचों में इन्होंने 122 रन का पारी खेला होता, उसके बाद बात करते हैं 4थे नंबर पर आपको सदीरा समीर देखने को मिलेगा, ये भी इनका अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, कभी 51 रन का पारी खेला हुआ, कभी 91 रन, कभी 108 रन, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस ये भी करते हैं, तो इनको अपनी टीम में लेकर जाना। अब बात करते हैं कि चरित्र श्रीलंका, ये भी कभी कभी क्या होता है कि अगर श्रीलंका का बॉलिंग कम पड़ जाएगा तो ये बॉलिंग भी कराते हैं, तो आप इनको अपनी टीम में सेलेक्ट करके जाना। अब बात करते हैं 6वें नंबर पर एंगलो मैथो, ये भी 2 मैचेस एंट्री किया और एक मैच में इन्होंने 12 रन पारी खेला होता और दूसरे मैच में इन्होंने 2 विकेट लिया हुआ था। बात करते हैं 7वें नंबर पर जो आपको दसुन हेमंता होने वाले, अगर इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो इनका ऑलराउंडर में काम करते हैं और इनका एक भी विकेट नहीं निकल पाता है और बैटर से कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। अब बात करते हैं महेश तिछड़ा, उसके बाद दुश्मन चमीरा, अगर इन दोनों का परफॉर्मेंस कंपेरिजन किया जाए तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले वो आपको दुश्मन चमीरा वाले, क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो एम तिछड़ा का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है लेकिन इनका हर एक परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है, 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, अब इनका देखा जाए लास्ट पॉइंट तो 35 पॉइंट दिया हुआ है, उससे ज्यादा इंपोर्टेंट आपको मैंने बता दिया कि कुशाल रजिता सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, इन्होंने पिछले मैच में 2 विकेट लिया था, 4 विकेट लिया था, 1 विकेट लिया था, इस तरह से इनका परफॉर्मेंस होने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए दिलशन मधुसनाका, ये इनका हर एक मैच में अच्छा परफॉर्मेंस गाता है, इंडिया के खिलाफ इन्होंने 5 विकेट लिया हुआ था और 4 विकेट 3 विकेट 5 विकेट इस तरह से इनका परफॉर्मेंस होता है, तो आप इनको अपने टीम में कैप्टन बना के जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको कब बताऊंगा कैप्टन बना के जाना है, आपको वीडियो को पूरा वॉच करके जाना है। अब दोस्तों जो मेरी फाइनल टीम होने वाली है, तो अगर आप देखेंगे तो मैंने विकेट कीपर में
कुछ साल मेंडी दास को ले रखा है, अब उसके बाद एस समीरा को और एम रहीम को मैंने ले रखा है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो मैंने विकेट कीपर में चार ले रखा है और मैंने लिटिल दास को ले रखा है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो मैंने बैटर में ले रखा है पशु निशा का जो ओपनिंग करेंगे और मोहम्मदुल्ला में मिडल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और डी चमीरा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे डी करना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो मैंने डी या नशान संतो को ले रखा है। फिर आप जाएंगे ऑलराउंडर में तो ऑलराउंडर में एस हसन और अहमसन मिराज। अब नीचे जाएंगे तो मानल में बॉलर में तो मैंने डी मधुशाखा को ले रखा है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा कौन सा जो बैटर होगा आज 100 रन मारेगा। तो सबसे पहले आप टारगेट किया जाए तो जो आपका बांग्लादेश में होने वाला है वो आपको सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले वो आपको अलहसन साकिन, उसके बाद अहमसन संतो, ये आपको अच्छा परफॉर्मेंस कर दे। अब सबसे ज़्यादा नज़र रहेगा मोहम्मदुल्ला पे, हो सकता है 80-50 रन मार दे तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले। अगर ट्रंप प्लेयर देखा जाए तो आपको साकिब अलहसन और अहमसन मिराज, उसके बाद मोहम्मदुल्ला, आपका तीन प्लेयर ट्रंप होकर जाएंगे। अब इधर कोई अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला नहीं है। अब बात करते हैं कि आपका जो श्रीलंका का ऐसा कौन सा जो बॉलर होगा बैटर होगा जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर देगा। अब बात करते हैं पशु निशा का, तो इनका ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होने वाला है। अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले वो आपको एस समीरा हो जाएंगे। तो इनको अपने टीम में सेलेक्ट करके जाना है और कुशाल मेंडीदास को, इन दोनों को अपने टीम में ट्रंप कर दोनों टीम ट्रंप करके जाना है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे जो आपको बॉलर में होने वाले वो बॉलर में आपको डी मधुशाखा होने वाले। तीन प्लेयर इधर लेकर जाना जो आपको हर एक टीम में कभी भी अपने टीम में जीएल में ड्रॉप करके नहीं जाना है। इस तरह से आपका प्लेइंग 11 होने लगा। अगर इन चारों पांचों को अपनी टीम में ले लेते तो 100+ रन जाने वाला है और 4-5 विकेट लेने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।